सातवां वेतन आयोग लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर छह संगठनों के बैनर तले रोडवेज कर्मचारियों ने आज जयपुर में एक रैली निकाली। ये रैली सिंधी कैंप बस स्टैंड से रवाना होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई रोडवेज मुख्यालय पर पहुंची। इस रैली में सैकड़ों रोडवेज कर्मचारी शामिल हुए। सातवां वेतनमान लागू करो, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सारा बकाया भुगतान करो और खाली पदों पर भर्ती करो और रोडवेज के बेड़े में 2000 बसें कम से कम नई डालो। इनके साथ अन्य ज्वलंत सवालों को लेकर के आज की इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान रोडवेज के छह श्रमिक संगठनों की तरफ से आज पूरी प्रदेश स्तरीय रैली या सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आयोजित कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं सातवां वेतन आयोग दो, 2000 नई बसें रोडवेज को दो, 10000 खाली पद पड़े उन पदों में भर्ती करो, 3500 सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनका बकाया भुगतान करो और यह प्राइवेट जो वाहन अवैध रूप से चल रही है मार्गों पे उनको बंद करो